Assalamualaikum viewers, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी किस तरह से चूड़ीदार सलवार तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे 44 मैंने लिया है वेस्ट का मेजरमेंट, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। और ये है बेल्ट, बेल्ट के लिए मैंने लिया है 7 इंच और क्रॉच के लिए मैंने लिया है 10 से 11 इंच तक, 10 से 11। और ये है जो बेल्ट है, बेल्ट से लेकर जो हमारी घुटनों तक जो लंबाई है मैंने लिया है 19 इंच। आप लोगों का जो मेजरमेंट आते हैं वो लीजिए। और यहाँ पर इसका जो टोटल जो लेंथ है मैं आप लोगों को दिखा तो है 37। और नीचे का जो अंकल का जो मेजरमेंट है वो मैंने लिया है 6 इंचेस। टोटल मैंने लिया है 12 इंच, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस फैब्रिक को जिस तरह से फोल्ड करना है आप लोगों को, आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे मेरी 2 मीटर्स फैब्रिक मैंने लिया है। फैब्रिक को सबसे पहले मैं हाफ फोल्ड करके एक कोने से, जो बंद साइड है उस साइड को मैं इस तरह से ट्रायंगल करके इसको फोल्ड कर लेती हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं एक दाग दूंगी, ये आप लोग ऐसे ही मेजरमेंट के बिना ही दीजिए। और यहाँ पे जो क्रॉच का जो बेल्ट है उसको मैं 11 मैंने लिया था क्रॉच के लिए, तो 11 से मुझे 7 माइनस करना है। माइनस करने के बाद मेरी हाथ आती है 4 इंच और यहाँ पे मैं प्लस करूँगी 1 इंच लेकर, उसको मैंने 5 इंच पर एक दाग दिया है। उसके बाद यहाँ से हिप का मेजरमेंट बेसिकली चूड़ीदार सलवार में ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये कबली चूड़ीदार होगी। और यहाँ पे जो हिप है, हिप के जो डिस्टेंस है, हिप के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 7 इंच का डिस्टेंस आप लोग लेना। लेकर यहाँ से हिप से ये है मेरी जो आपका जो थिक है वहाँ तक मुझे ये लाना है थिक से। आप लोग थिक अगर आप चाहते, क्योंकि ये मेरी कबली स्टाइल के मैं करूँगी तो ये ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर आप टाइट फिट करते हैं चूड़ीदार तो इसलिए मैं ये मेजरमेंट आप लोग को दिखा रही हूँ। और अब मैं नीज से लेकर अंक तक मैं यहाँ पे जाऊँगी, अंकल तक जाऊँगी, जाके यहाँ पे मैं लूँगी और एक्स्ट्रा 1 इंच मैं लूँगी लेकर उसको धाग दे देती हूँ। और ये जो है ये है मेरी ने से मैं 8 इंच बेसिकली यहाँ पे मैं लूँगी, क्योंकि मैं पहले भी कहा है मैं यह थोड़ा लूज़ करूँगी, आप लोगों का जो आए वो आप लीजिए। और यहाँ पे मैं कोई हिप का मेजरमेंट नहीं लूँगी क्योंकि ये है आप ये जो माप है ये मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैं इसे लूज़ चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो करूँगी, ये जो लाइंस हैं इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। करने के बाद जो नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है मुझको जो मेरी जो बेल्ट का जो साइड है वहाँ पे मुझे इसे अटैच करना होगा। ये जो पीसेस है, ये पीसेस को मुझे जो मेरी बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर का जो हिप का जो साइड है वहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ यह मैं चाहती हूँ कि ये तो कबली जैसा होगा, तो इसलिए मैं बेल्ट के, अगर आप कबली सलवार करते हैं चूड़ी सलवार तो यहाँ पे बेल्ट ज़रूरत है। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं बेल्ट के बिना ही आप लोग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट बेल्ट के बिना ये आप लोग स्टिच कर पाएंगे। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करती हूँ जो चूड़ीदार सलवार है वो थोड़ा टाइट फिट अगर होती है तो वो आरामदायक नहीं होती है। अगर आप लोग कबली वाला जो है, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, अगर ये करते हैं ये बहुत ही आरामदायक होती है पहनने में और कोई दिक्कत भी नहीं होती, लूज़ भी होती है और कंफर्टेबल भी होती है। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो जितनी लंबा जो चौड़ाई है आप लोग ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे बहुत घेर हो इसका, तो इसलिए क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है, क्योंकि धोने के बाद ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो अब मैं जो करूँगी यहाँ पे मैं ये है जो यहाँ पे जो साइज़ आप लोग, ये थिक का साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लूँगी या थोड़ा इससे 3 इंच में ज़्यादा लूँगी, यानी कि मैं टोटल लूँगी 14 इंच ही,
लेकर यहाँ पे मार्क कर दी थी। ये जो मार्क है मुझको आप जो डॉट और जो लाइंस हैं वहाँ पे मुझे ये सब ऐड करना है इस तरह से। और ये जो मेजरमेंट आप लोगों को मैंने दिखाया है और जो मैंने दाग दिया है इसके बिना भी आप लोगों को 1.5 इंच से ज़्यादा 1 इंच से आप लोगों को ज़्यादा लेना होगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग स्टिच पे चला जाएगा। और ये ध्यान रहे क्रॉच एरिया जो है उसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉच के लिए लिया है 5 इंच। आपका जो है आप लीजिए उसको माप कर ही आप इसको डॉट जो लाइन्स है उसको आप मिला लेना। तो यहाँ पे मेरी ये जो पीसेस है इसको मैंने काट लिया है और ये जो पीसेस है ये वाला मुझे 4 पीस चाहिए, ठीक है। 4 पीस यानी कि 2 सामने के लिए और 2 बैक पीस के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको काट रही हूँ और ये इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किस तरह से ये चूड़ीदार जो पैजामा है इसको काटना है। सेकेंड वीडियो पे आप लोग देख पाओगे किस तरह से आप लोगों को स्टिच करना है। तो ये है मेरी बेल्ट, बेल्ट की भी मेजरमेंट मैंने आप लोगों को पहले दिया है। तो यहाँ पे रेडी है स्टिच करने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।